बॉलीवुड मुंबई की माया नगरी में बसा भारत में एंटरटेनमेंट का नाम पर सबका बाप है। इस बात का सबूत बॉलीवुड में काम करने वाले अभिनेताओं की फैन फॉलोइंग को देखकर पता लगाया जा सकता है। वहीं अगर हम भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो यह भी बॉलीवुड की तरह आगे बढ़ता जा रहा है। अब चाहे हम एक्टिंग की बात करें या भोजपुरी सिनेमा की, यह भी काफ़ी तरक्की करता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनका जन्म तो बिहार में हुआ लेकिन उन्होंने कभी भोजपुरी सिनेमा में काम नहीं किया है, लेकिन बॉलीवुड सिनेमा में अपनी कला से लोगों को अपना दीवाना बना दिया है। आज हम ऐसी ही कुछ 5 अभिनेत्रियों के बारे में बात करेंगे जिनका जन्म तो बिहार में हुआ लेकिन कभी भोजपुरी फिल्मों में काम नहीं किया है। इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे बॉलीवुड की देसी गर्ल कही जाने वाली प्रियंका चोपड़ा के बारे में। इनकी गिनती उन अभिनेत्रियों में की जाती है जिन्होंने सिर्फ बॉलीवुड तक ही नहीं बल्कि हॉलीवुड तक अपनी पहचान बना के रखी हुई है। बता दें कि प्रियंका चोपड़ा का जन्म बिहार के जमशेदपुर में 18 जुलाई को साल 1987 में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म हमराज से की थी। इस समय वह अमेरिका के फेमस सिंगर निक जोनस से शादी कर वहीं रह रही हैं। ये कई दफा बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा के बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नेहा शर्मा आती हैं। नेहा शर्मा का जन्म बिहार के भागलपुर में साल 1987 में हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इमरान हाशमी की बॉलीवुड फिल्म क्रुक से की थी। आपको बता दें कि नेहा शर्मा अब तक कई साउथ की फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं लेकिन अब तक किसी भी भोजपुरी फिल्म में काम नहीं किया है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा माउंट कार्मल स्कूल भागलपुर से पूर्ण की है। तीसरे नंबर पर सोनाक्षी सिन्हा आती हैं। यह बॉलीवुड की खामोश किंग शत्रुघ्न सिन्हा की एक बेटी हैं, जिन्होंने एक समय में बॉलीवुड पर राज किया था। उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए फिल्मों में काम कर रही हैं। बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में साल 1987 में हुआ था। इन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग से की थी। इस फिल्म में लोगों ने सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा की जोड़ी को काफी पसंद किया था। सोनाक्षी सिन्हा ने आज तक किसी भी भोजपुरी फिल्मों में काम नहीं किया है। नीतू चंद्रा, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और अदाओं से एक अलग पहचान बना ली है। बता दें कि इनका जन्म बिहार की राजधानी पटना में साल 1972 में हुआ था। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म गरम मसाला से की थी। इस फिल्म के बाद वह कई बड़े अभिनेताओं के साथ फिल्मों में नजर आ चुकी हैं लेकिन बिहार में जन्मी नीतू चंद्रा ने कभी बिहार फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम नहीं किया है। हमारी इस लिस्ट में संदली सिन्हा 5वें और आखिरी नंबर पर आती हैं। संदली सिन्हा उन कलाकारों में आती हैं जिन्होंने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया है। जानकारी के लिए बता दें कि वह अपने समय में सबसे मशहूर एक्ट्रेस में से एक थी। उनके समय में उन्हें लोगों के द्वारा काफी प्यार दिया जाता था। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में साल 1972 में हुआ था। इन्होंने भी बाकी 4 एक्ट्रेस की तरह अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड से ही की थी। इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म तुम बिन थी जिसके बाद वो लोगों के बीच स्टार बन गई। इन्होंने आज तक कभी भी भोजपुरी फिल्म की इंडस्ट्री में किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।